जो नतीजे आए हैं तो चौंकाने वाले। देखिए मैं तो जनसेवक। इस बार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी बाजी मार गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कमल खिला है और कांग्रेस को केवल तेलंगाना में मिली जीत से तसल्ली करनी पड़ी है। हालांकि कांग्रेस अगले चुनावों को अपना लक्ष्य मानकर चले, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके लिए सियासी पारी आखिरी थी। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ और अशोक गहलोत का। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान रैली के दौरान कमलनाथ ने लोगों से पूछा कि मेरा क्या कसूर था कि मेरी सरकार गिराई गई। 77 साल की उम्र में लोगों से भावुक अपील कर कमलनाथ सहानुभूति कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मतदाताओं ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में आखिरी मौका देने से भी इनकार कर दिया। कांग्रेस मध्य प्रदेश में हार गई। कमलनाथ की स्वास्थ्य की स्थिति पर गौर करें तो बतौर सीएम कैंडिडेट कमलनाथ के लिए ये आखिरी चुनाव था। इससे पहले पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में अपना नाम होने की अफवाहों को उन्होंने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनका ध्यान केवल मध्य प्रदेश के चुनावों पर ही केंद्रित है। कमलनाथ ने उनके पूर्व सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को झटका दिया था। उनकी अगुवाई में विधायकों ने बगावत कर दी। एमपी में कांग्रेस की सरकार गिर गई। कमलनाथ के करीबी लोगों का कहना था कि वो सिंधिया से बदला लेंगे, हालांकि जनता ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। चुनाव अभियान के अंतिम सप्ताह में कमलनाथ अपने गढ़ छिंदवाड़ा चले गए। वहां पूरे राज्य में अभियान चलाया। कमलनाथ ने हर दिन 2 से 3 रैलियां की। कमलनाथ ने राज्य में बड़े पैमाने पर प्रचार करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बुलाया, साथ ही साथ राहुल गांधी से भी आने का अनुरोध किया। हालांकि कमलनाथ के ये सभी प्रयास शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रिय लाडली बहन योजना के सामने धरे के धरे रह गए। कमलनाथ 1980 से छिंदवाड़ा के सांसद थे। 2019 में छिंदवाड़ा की विधानसभा सीट से विधायक बनकर सीएम बने, लेकिन पूरे कार्यकाल के लिए मध्य प्रदेश में उनका सीएम बने रहने का सपना शायद सपना ही रह जाए। ऐसा ही कुछ हाल है राजस्थान के अशोक गहलोत का। उम्र भी उनके पक्ष में नहीं है। अशोक गहलोत 72 साल के हो चुके हैं। वे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के समय में भी चर्चाओं में आए, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बने रहने में ही अपनी भलाई समझी। 2023 के विधानसभा चुनावों में भी उन्हें करारी शिकस्त मिली है और अगले चुनाव तक के समय में उनकी उम्र 77 साल हो जाएगी। ऐसे में उनका एक बार फिर से सीएम बनने का सपना टूटता नजर आ रहा है।